फ्रेंड, आज के वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि एमएस वर्ड और एमएस एक्सेल को आप पीडीएफ फाइल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं श्याम और आप देख रहे हैं टेक्नो तक। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, सबसे पहले आपको अपने गूगल को ओपन करना पड़ेगा। इस तरह से आपको अपना गूगल पेज ओपन कर लेना। उसके बाद यहाँ देखिए, राइट कॉर्नर पे इस पर आपको गूगल ऐप्स करके जो दे रहा है उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको गूगल ड्राइव एक दिखेगा इस तरह सा लोगो, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड, आपका इस तरह से पेज एक ओपन हो जाएगा। आपको जो भी वर्कशीट आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है उसको इसमें अपलोड कर लीजिए। मैंने देखिए एक वर्ड ऑफिस का एक फ़ाइल और एक एमएस एक्सेल का एक फ़ाइल अपलोड कर रखा है। अगर आपने अपलोड नहीं किया है तो आप यहां से न्यू पे जाके यहां क्लिक करके यहां फाइल अपलोड पे ओके करके और यहां से आप अपने फाइल को सिलेक्ट करके आप यहां से अपलोड कर सकते हो। ये देखिए, यहां से कर्ल को इंटर दबा के इसको और इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से ओपन कर दीजिए, ये फ़ाइल आपकी दोबारा अपलोड हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड, आपकी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। आपको यहाँ से दो फाइल अपलोड हो गई है, फर्स्ट और सेकंड। ये देखिए, लेफ्ट कॉर्नर में नीचे के साइड में आपको दो फाइल दिख रही है। यहाँ से आप फाइल को अपलोड कर लीजिए। अब यहाँ से फाइल को अपलोड करने के बाद फ्रेंड, आपको सबसे पहले मैं एमएस वर्ड को पीडीएफ में चेंज करना बताता हूँ। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड, इस तरह से आपको एक पेज ओपन होके आ जाएगा और यहाँ से आपको देखिए ऊपर साइड में ओपन विथ गूगल डॉक्स दिख रहा है। यहाँ से आप इस पे जाइए और यहाँ से ओपन विथ गूगल डॉक्स पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपका इस तरह से एक पेज और ओपन होके आ जाएगा और यहाँ लेफ्ट में ऊपर कॉर्नर में देखिएगा तो यहाँ एक फाइल का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इस फाइल के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और नीचे आना है और डाउनलोड के ऑप्शन पे आपको जाना है। यहाँ से देखिए आपको किस फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, वो सारे फॉर्मेट आपको दिए हैं। जनरली आपको पीडीएफ में डाउनलोड करना है तो पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स पे आपको क्लिक कर देना है और ये देखिए आपका पीडीएफ में डाउनलोड हो गया है। ये देखिए पीडीएफ में डाउनलोड हो गया है आपका फाइल। इसको मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ कि आपका फ़ाइल कहाँ से डाउनलोड हुआ है, नहीं तो उसके बाद मैं आपको पहले एक्सेल का चेंज करना बताता हूँ। चेंज एक्सेल में थोड़ा सा गूगल डॉक्स की तरह गूगल सीट आता है। यहाँ से देखिए, आप इस पर क्लिक करोगे एक्सेल में तो इस तरह से आपका पेज ओपन हो जाएगा और ओपन विथ गूगल सीट यहाँ दिया है, इस पर क्लिक करके ओपन विथ गूगल सीट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको पेज खुल जाएगा और यहाँ देखिए फाइल का इसमें भी ऑप्शन आपको मिलेगा। आपको सिंपली इस पर फाइल पे जाना है। फाइल पे जाने के बाद यहाँ आना है डाउनलोड पे। डाउनलोड पे आने के बाद पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स पे जाना है। पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स में जाके आपको क्लिक कर देना है और आपको इस तरह से सीट ओपन होके आ जाएगा। और यहाँ से देखिए फ्रेंड, यहाँ दिया है करंट सीट। आपको सिर्फ एक सीट, जो करंट सीट आपको दिख रही है उसको डाउनलोड करना है या पूरा वर्कबुक डाउनलोड करना है, आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है जो भी, या कोई एक सेल्स ऐसा है जिसको आपको कन्वर्ट करना है पीडीएफ में, यहाँ से सब कुछ आप कर सकते हो। और यहाँ से आप लेटर्स की साइज़ घटा बढ़ा सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको लैंडस्केप में इसको सीट को करना है डाउनलोड या पोर्ट्रेट में, जो भी आपको करना हो उसमें आप यहां से कर सकते हो। यहां से आप कस्टम साइज़ अपने साइज़ को भी कम ज़्यादा कर सकते हो जिस हिसाब से आपको फॉर्मेट इसका चाहिए। उसके बाद सिंपली आपको यहां ऊपर दिया है फ्रेंड एक्सपोर्ट को, इस पर एक्सपोर्ट कर देना है। एक्सपोर्ट करने के बाद देखिए ये सीट भी आपकी डाउनलोड हो गई है। फ्रेंड, ये विंडोज़ 8 में ऐसा फॉर्मेट आता है, कभी कभी विंडोज़ 7 में आपको सीट कैसे डाउनलोड करने को मिलेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से आप इसको कट कर दीजिएगा। यहाँ पर आप जाके रिसेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ इस तरह से आपको दोनों फाइल आपने अपलोड किया है यहाँ आ जाएंगी। इसमें आपको क्या करना है, अगर आप वैसे नहीं मिल पा रहा है आपको, तो यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे
राइट क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से ओपन विथ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपको फिर से गूगल डॉक्स वही चीज़ आपको मिल जाएगा, यहाँ से फिर आपको फिर वही प्रोसेस करना है। तो फ्रेंड ये विंडोज 7 के लिए है, विंडोज 8 का तो मैंने आपको बता दिया है। और ये फाइल आपको कहाँ डाउनलोड हुआ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फाइल यहाँ आएंगे, आप क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे और डाउनलोड पे जाएंगे, तो यहाँ से आपको ये सरकम करिकुलम डेटा और मार्कशीट दोनों आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये देखिए पीडीएफ में ये भी डाउनलोड हो गया है आपका, और ये भी सीट आपकी पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो गई है। फ्रेंड मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होती है, तब तक के लिए।